राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही है और मैं अलीगढ़ से चल के कैलकटा आया, कैलकटा से बॉम्बे आया। तो सारे रंग, ब्रिज का रंग, बंगाल का रंग है ना, और कलकत्ते में तमाम असम, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान, सब तरह के लोग वहाँ, हर तरह का फोक सुना, हर तरह का कल्चर जाना। तो वहाँ से लेके बॉम्बे आया। बॉम्बे आज 69 के एंड से बॉम्बे आया हूँ और 71 से काम शुरू किया है। तो तब से ईश्वर की कृपा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, ये आगे आगे चलता गया हूँ। और यहाँ तक आप सबकी दुआओं से और हमारे सहयोगियों के और हमारे बड़ों के पुण्य प्रताप से यहाँ तक आया हूँ। अनुभव बहुत बढ़िया है। और चूँकि समय तो परिवर्तनशील है, आप जानते हैं, हमेशा बदलना ही है उसको। तो नई नई चीज़ें सामने आती हैं, उन सब का हमने भी स्वागत किया है, उनसे सीखा है, उस टेक्निक को अपनाया है। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने जो सोल है, अपनी आत्मा है हमारे भारतवर्ष की, उसको मैंने जीवित रखा। रविंद्र जैन साहब को दद्दू भी कहते हैं, प्यार से आइए हम दद्दू से जानते हैं कि अब आज के संगीत के बारे में आपकी क्या राय है, आज का जो संगीत हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? संगीतों ने सात सुरों और तालों में निबद्ध है, उससे अलग तो है नहीं। सिर्फ पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, है ना, समय के हिसाब से। कहीं कभी ताल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है, कभी सुर की तरफ चले जाते हैं। दो ही चीज़ें हैं संगीत के, स्तंभ हैं सुर और ताल, है ना। तो इस वक्त चूँकि फास्ट पेस है लाइफ का, तो लोग रिदम की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव है। संगीत के तो वही सात सुर हैं, उन्हीं में निबद्ध है संगीत सारा। यह है कि उसको हमने कितना, हमने बाहर से उसको अपनाया है, कितना हम अपनी बात कहना जानते हैं, उस पर डिपेंड करता। मैं अपनी संस्कृति का पक्षधर हूँ, अपनी बात करता। रामायण का एक बहुत शीर्षक गीत जो था, काफी प्रसिद्ध हुआ वो गीत, अब वैसा गीत अब हमें कब सुनने को मिलेगा? रामायण कहाँ, मैंने अभी एक रामायण फिर रिकॉर्ड की है 31 घंटे की, जो मैंने खुद लिखी है, सारी गाई है। वो अभी मार्केट करेंगे उसको। और श्रीमद् भागवत अभी कर रहा हूँ, सामवेद पे काम कर रहा हूँ, और जैनिज्म पे महावीर भगवान की फिल्म इस साल बनाएंगे। और एक बड़े प्रोजेक्ट्स में तानसेन है, जो बहुत संगीतमय है, उनकी लाइफ पे फिल्म शुरू कर रहे हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। बाकी तो फिल्में आ रही हैं बहुत सारी, साल में कई फिल्में आ रही हैं। जो फिल्मों की बात करें, आपने बताया था, कौन सी ऐसी फिल्म है जो जल्दी दर्शकों के सामने आएगी जिसमें आपका संगीत और आपकी गायकी का अंदाज सुनने को मिलो? कई फिल्में हैं, तीन तो एनिमेशन फिल्में की हैं मैंने अभी बच्चों के लिए, और एक अभी फिल्म कंप्लीट हुई है, कहीं है मेरा प्यार, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई, 12 मास कंप्लीट हो गई है, अजूबा है। तो कई कई फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में इसी साल रिलीज़ होंगी दिवाली के आसपास। मतलब ये एक बार आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप फिर से अपने वही अंदाज में एक छोटा सा एक अंतरा सुनाए रामायण का। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र जैन साहब, जिन्होंने अपने मधुर आवाज़ के साथ बताया कि जल्दी रामायण का गीत भी अपने लिए प्रस्तुत करने वाले हैं, और साथ ही रामायण को लेकर एक नया प्रोजेक्ट जिनका आ रहा है, जिसमें उन्होंने खुद रामायण लिखी है और साथ ही संगीत भी दिया है और गाया भी है, और वो जल्दी दर्शकों के सामने पेश होगा। कैमरामैन सुमित के साथ शरद बाघेला, बंसल न्यूज़ भोपाल।